काफी टाइम पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो में अपकमिंग टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट के लॉन्च के बारे में बताया था, जहां पर इनोवा को एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ स्पाइड किया गया था। और अब रिसेंटली ही एक बार फिर से इनोवा के सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ और जानकारी देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलिए पहले स्पाइड मैच की बात कर लेते हैं। इस बार भी इनोवा के सीएनजी वेरिएंट को व्हाइट कलर एक्सटीरियर पेंट में स्पाइड किया गया है, लेकिन इस बार एक बात कंफर्म हो गई है कि इनोवा कौन से इंजन के साथ आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट में मिलेगी। तो इस स्पाइड मैच में आप देख ही सकते हैं कि इनोवा का रियर एंड, इसकी वेरिएंट और इंजन की बैजिंग दी गई है। इंजन है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन और वेरिएंट है जी। हालांकि अभी तो इनोवा का पेट्रोल इंजन आपको बेस वेरिएंट जीएक्स से मिलना शुरू होता है, लेकिन इनोवा के डीजल इंजन के साथ आपको बेस वेरिएंट जी मिलना शुरू होता है। और अब लगता है सीएनजी किट वर्जन के लिए टोयोटा एक नए पेट्रोल वेरिएंट को लॉन्च करेगी। अब इस नए वेरिएंट में हमें कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे वो तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके इंजन से जुड़ी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। इनोवा सीएनजी वर्जन में आपको 2.7 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 165 पीएस की पीक पावर और 245 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई कंपनी किसी पेट्रोल गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट देती है तो उसकी पावर कम कर देती है। तो क्या इस बार टोयोटा ऐसा करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, इनोवा के पेट्रोल सीएनजी वर्जन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ये ऑप्शन टोयोटा प्रोवाइड करवाएगी। चलिए अब इसके प्राइजेस और इंडिया लॉन्च की बात कर लेते हैं। करंटली इनोवा का बेस वेरिएंट जीएक्स पेट्रोल इंजन के साथ एक्स शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 15.66 लाख से 17.07 लाख का मिलता है, 7 सीटर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक और 8 सीटर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और नया जी वेरिएंट इन प्राइजेस से कम हो सकता था, लेकिन उसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलेगी तो उसके प्राइजेस भी बेस जीएक्स वेरिएंट के मैनुअल गियरबॉक्स प्राइजेस जितने हो जाएंगे। और इसका लॉन्च टोयोटा बहुत जल्द कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी टोयोटा ने अनाउंस किया था कि वो अपनी सारी गाड़ियों के प्राइजेस को बढ़ाने वाली है, जिसके कारण इसके डीजल वेरिएंट्स और ज्यादा महंगे हो जाएंगे और फिर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स के प्राइजेस के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण काफी सारे लोग शायद किसी और 7 सीटर गाड़ी पर शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि इनोवा के पेट्रोल वेरिएंट्स इसके टोटल सेल्स के 20% भी नहीं हैं और इनोवा सबसे ज्यादा टैक्सी बायर्स ही खरीदते हैं डीजल इंजन के साथ। तो टोयोटा चाहती है कि उन सारे बायर्स को इनोवा के पेट्रोल इंजन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए एक पेट्रोल सीएनजी वर्जन के साथ। तो अब आखिर में ये सवाल आता है कि क्या आपको इनोवा के पेट्रोल सीएनजी वर्जन को खरीदना चाहिए या नहीं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको जरूर इसको खरीदना चाहिए अगर आप एक सेफ, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सीएनजी वर्जन से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।